चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुण रघुबर विमल यशु ज्योतायक फल पाए बुद्धहीन तन जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश दुखार पति रामचंद्र भगवान की। साथियों समक्ष राम हनुमान युद्ध की पावन गाथा रखने के लिए जा रहे हैं। इसमें यह आपको दिखाया जाएगा कि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार व उनके परम भक्त हनुमंत लाल जी का युद्ध किस प्रकार से होता है या भगवान और भक्त के बीच में लड़ाई किस प्रकार से होती है। उससे पहले हम आपको एक कबीरदास जी के भजन की तरफ ले चल रहे हैं। कबीरदास जी ने इस भजन में दिखाया है कि आत्मा इस शरीर को छोड़ करके परलोक को जा रही है, यानी एक दुल्हन अपना मायका छोड़कर ससुराल की तरफ जा रही है, या ये आत्मा इस मृत्यु लोक रूपी मायके को छोड़कर उस परमपिता परमात्मा रूपी ससुराल के अंदर जा रही है। तो इसके प्रति कबीरदास जी के क्या शब्द हैं आप लोग ध्यान दें। चली ससुर का चली ससुर का चली ससुर का उजर गयो टोला चली ससुर का उजर गयो टोला चली ससुर का उजर गयो टोला उजार गई टोला उजर गयो टोला उजार गई टोला चली ससुर का उजर गयो टोला चली ससुर का उजर गयो टोला चली ससुर का चार कंधों पर चल दिए हरे हरे बांस की डोलिया सजाई हरे हरे बांस की डोलिया सजाई धीरे धीरे
चलो मोरा हाले न डोला चली ससुरे का जल गयो छोला चली ससुरे का सास कटीनी बचपन ननद हटीनी जवानी सास कटीनी ननद हटीनी स्वामी मृत्यु मालिक भगवान शंकर स्वामी हमारे हैं बारे से भोला स्वामी हमारे हैं बारे से भोला चली ससुर का चल गए भोला चली ससुर का चली ससुर का जल गयो टोला चली ससुर का कहत कबीरा सुन भाई साधु कहत कबीरा सुन भाई साधु कहत कबीरा निकस गाजियो पड़ा रही गचोला निकस गाजियो पड़ा रही गचोला चली ससुर का उजर को छोला उजार गई छोला चली ससुर का बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। हाँ तो मित्रजनों साथियों, अब हम आपको लेकर बढ़ रहे हैं राम और हनुमान युद्ध की गाथा की तरफ। ये लड़ाई कैसे और किस समय से प्रारंभ होती है और किस लिए शुरू होती है? हे वाणी हे शारदे दो ऐसा वरदान, राम कथा का आज फिर गूंजे घर भर श्री राम से जिस प्रकार बजरंगो आज यहाँ मैं कह रहा पावन वही प्रसंग इंद्रलोक में एक दिन जुड़ा हुआ दरबार सकल देवता थे वहां होने लगा विचार
देवताओं के राजा इंद्र हैं, उनका दरबार लगा हुआ है। उस दरबार के अंदर एक से एक सुंदर अप्सराएं नृत्य गान कर रही हैं, बड़ी सुंदर सभा जुड़ी हुई है, एक से एक महान देवता उस सभा के अंदर मौजूद हैं। अचानक प्रसंग उठता है, क्योंकि जहां पर भी भाई चार लोग बैठे होते हैं तो वहां किसी ना किसी प्रकार की बात तो उठती ही है। तो आज इंद्र की सभा के अंदर एक सवाल उठा, सारे देवता आपस में बातें करने लगे कि भाई एक बात आप लोग बताइए, आज इस बात की जानकारी की जाए, इस बात का पता लगाया जाए कि देवताओं में सबसे बलवान देवता कौन है, यानी महावीर की पदवी किस देवता को दी जानी चाहिए। आप लोग अपने अपने मन की बात कहें और जिसके लिए जिसके मन में जो श्रद्धा हो या जिसको जो महावीर मानने के लिए तैयार हो वो अपनी अपनी इच्छा आप लोग प्रकट करें, देखें भाई किसका बहुमत बनता है। अब एक एक करके सारे देवता अपना अपना मत प्रकट करने लगे, अपना अपना वोट देने लगे कि भाई किसे इलेक्शन में खड़ा किया जाए या किसे जो है वो महावीर की पदवी दी जाए। तो कौन क्या का कह रहा है जरा इस बात पर आप लोग ध्यान दें। उत्तर में कहा पवन ने तबू निज मत से मैं बतलाता हूं, मैं उस महान को गाता हूं। कहे उठे आदमिया सत्य बात, रवि बोले मैं भी मान रहा, इस जग में देवों में महान में पवन पुत्र को मान रहा। नारद ने कहा सत्या है, मैं भी अनुमोदन करता हूं, रुद्रावतार बजरंगी है, रुद्रावतार बजरंगी है, मैं सर्वश्रेष्ठ ही कहता हूं। सारे देवता अपना अपना मत भैया प्रकट करने लगे। पवन देवता ने कहा कि भाई मैं सब देवताओं में महावीर केवल हनुमान जी को मानता हूं। देवता अग्नि ने कहा यह बात सत्य कह रहे हैं आप। सूर्यदेव भी बोले कि हम भी इस बात को मान रहे हैं कि हनुमान जी ही सबसे महावीर हैं। इस जग के अंदर महावीर के अलावा कोई दूसरा महान देवता नहीं हो सकता, वीर नहीं हो सकता। नारद जी ने भी कहा हां ये बिल्कुल सच है, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो रुद्रावतार हैं, बजरंगी हैं, इसलिए मैं उनको सबसे बड़ा मानता हूं। लेकिन भाइयों, जहां पर किसी व्यक्ति की प्रशंसा यानी तारीफ करने वाले लोग होते हैं वहां उसकी निंदा यानी उसकी बुराई करने वाले भी होते हैं, क्योंकि बुराई और अच्छाई दोनों का जोड़ा होता है। सारे देवताओं ने तो हनुमान जी की तारीफ की, लेकिन वहां पर एक सज्जन ऐसे भी बैठे थे जो कि मन ही मन में जलते थे हनुमान जी से। खड़े हो गए, कहा हम इस बात को नहीं मानेंगे कि भाई हनुमान जी सबसे बड़े हैं। वो साहिबान थे कौन, उनका नाम देखिए आप, कि बैठे थे वहां शनिचर ही, सुनकर था उनको डाह हुआ, कहे उठे प्रशंसा यह झूठी, कहे उठे प्रशंसा यह झूठी है, कौन सा गुण है भरा हुआ,
नहीं बतूलाता हूँ। है राम भक्त शिव का प्यारा, राम भक्त सिय का प्यारा, यहाँ अनुपम गुण जतूलाता हूँ। बदु करके उस रजनी चर को रघुबर पौरी बनाया है, कारण हनुमत वो महान हम सबने मिलकर गाया है। शनिचर ने कहा कि भाई आप लोग तारीफ कर रहे हो, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हनुमान जी के अंदर भैया ऐसी कौन सी बड़ी विशेष बात है जो आप लोग सब उनको महावीर मान रहे हैं। नारद ने कहा तुझे क्या मालूम, अरे हनुमान जी के अंदर बहुत से गुण ऐसे हैं जिनको बताने में काफी समय लग जाएगा, लेकिन एक दो गुण मैं बताता हूं सनितर तुमको कि हनुमान जी महावीर क्यों मान रहे हैं हम लोग। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने राम और लखन जी को कंधे पर बैठाल करके अहिरावण को मारा, अहिरावण को समाप्त करके वो महावीर की पदवी प्राप्त कर चुके, रघुवर को अपना ऋणी बनाया, इसी कारण हम हनुमान जी को ही बड़ा मानते हैं। इसलिए आओ देवताओं हम सब लोग मिलकर के शनि की बात पर ना ध्यान डालते हुए सभी लोग मिलकर महावीर की उपाधि देकर महावीर जी की प्रशंसा करें, उनका गुणगान करें। सभी देवता मिलकर के भैया महावीर जी की गुणगान की क्रिया प्रारंभ कर देते हैं, उनके नाम का जयकारा लगाते हैं कि जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। महावीर का विक्रम बजरंगी,
बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। इस प्रकार से सभी देवता लोग मिलकर हनुमान जी के नाम का जयकार करने लगे, बैठ करके सभी लोग हनुमान जी की प्रार्थना करने लगे। लेकिन साथियों, एक बात यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जिनका हृदय ईर्ष्यालु होता है या जिनके हृदय में कपट होता है, छल छिद्र होता है, वो कभी ना दूसरे को खाते देख सकते हैं और ना दूसरे की तारीफ होते हुए सुन सकते हैं। कुटिलों का हृदय कभी जग में कीर्ति नहीं सुन सकता है, होता स्वभाव ऐसा ही है पर निंदा में खुश रहता है। हो गए कुपति सन ईर्षा से, उर्मे जलकर अंगार हुए, चल दिए वहां से उठ करके, जब कीर्तिमान के वार हुए। महाराज सनी अपने मन में बड़ा क्रोध करते हैं, मारे गुस्से में जलते भूनते वहां से चल दिए कि बड़े आए देवता हनुमान जी को ही बड़ा मान रहे हैं, पता नहीं हनुमान जी में कौन सी खूबी रही है जो बजरंग बली चिल्ला रहे। मारे क्रोध में वहां से चल दिए, ईर्ष्यावश यानी जलन के अंदर आने से इनका जो मन का विचार था वो अस्थाई नहीं था, जलते भूनते चले जा रहे थे। इधर से तो जा रहे हैं और उधर से देखिए क्या होता है कि हनुमान जी इधर आ रहे हैं, शनिदेव जा रहे हैं, हनुमान जी आ रहे हैं। दोनों की मुलाकात हुई मगर कैसी मुलाकात, मुलाकात की बजाय मुक्कालात हो गई। आते थे बड़े वेग से कपी, सन भी विचारते जाते हैं। भेड़ हो गई धोखे में, सन देव वहां जाते हैं। हंस उठे देख कर सुगनब में, सन देव क्रोध में लाल हुए। सोचा अपमान हुआ मेरा, खड़े तभी तत्काल हुए। इधर से शनिदेव जा रहे हैं और उधर से हनुमान जी आ रहे हैं, आपस में ऐसा टकराए कि बेचारे शनिदेव धड़ाम से गिर पड़े। जब ये गिरे तो हनुमान जी देखकर हंसने लगे, और बस हाँ, आप कोई गिर पड़े और उसको आप देखकर हंस दें, समझ लो कि उसका बहुत बड़ा अपमान हो गया। बेचारे खिसिया गए शनि देवता, एक तो टकराए ईर्ष्या से जले हुए जा रहे थे, दूसरे हनुमान जी हंस करके जले पर नमक छिड़क देते हैं। अब तो अपार क्रोध आ गया शनि को, कहा अच्छा हनुमान तूने मेरा अपमान किया, और इस अपमान का बदला अगर मैंने ना चुकाया तो मेरा नाम शनि कहेगा। मन में संकल्प कर लिया, कौन सा संकल्प, कि मन में दृढ़ किया शनिचर ने, इसका प्रतिशोध चुकाऊंगा इस रघुबर प्यारे हनुमत का, रघुबर से युद्ध कराऊंगा। प्रकार बल रखते हैं, हो जाए विमुख जब रामचंद्र, तब कैसे जग में चलते हैं।
की रह जा हनुमान, तू सबसे प्यारा हनुमान जी का है, अगर मैंने तेरा और राम का युद्ध ना करा दिया तो मेरा नाम शनि का है का। जब तेरे इष्ट ही तुझसे ढूंढने आएंगे तब देखूंगा कि तेरा क्या हाल होगा, किसकी हिम्मत पर तू फूला हुआ घूमेगा। ये मन में विचार करते हुए शनिचर वहां से गंगा के किनारे भैया आ गया। बड़ी सुंदर गंगा बह रही है, लोग गंगा की प्रार्थना कर रहे हैं कि गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तरुण, तारण तारणी हो मैया संकट हरणी, गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तरुण। विष्णु चरण से निकल सरस्वती ब्रह्म का मंडल आए, विष्णु चरण से निकल सरस्वती ब्रह्म का मंडल आए, शंकर जी की जटा में आके, शंकर जी की जटा में आके लहर लहर लहराई की, कर दियो भगतन को निपटारा तारण तारण। तारण तारण हो मैया संकट हरणी, मैया गंगे निर्मल तेरी, निर्मल तेरी धारा तारण तारण। आगे 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 चले भागीरथ पीछे गंगा माई, चले भागीरथ पीछे गंगा माई, राजा सगर के सौ पुत्रों को स्वर्ग दिया पहुंचाई, की कर दियो भगतन को निस्तारा तारण तारण। गंगे की लहरों को देखता हुआ शनि खड़ा हुआ है, अपने मन में विचार कर रहा है कि ऐसा कौन सा उपाय करूं कि राम और हनुमान का युद्ध करा दूं। इधर तो शनि मन में विचार करता हुआ खड़ा है और भैया उधर देखिए, एक बड़े ही महान राजा थे और उन राजा का नाम था विदर्भपति। विदर्भ देश के राजा थे और उनका नाम था राजा चंद्रकेतु। तो अब तो रेलगाड़ियां हो गई, जगह जगह पर जाने के साधन उपलब्ध हो गए, पहले रेलगाड़ियों की व्यवस्था तो थी नहीं, आने जाने के मार्ग बने नहीं थे, केवल जल मार्ग थे, तो नाव या जहाज पर ही बैठकर सारे देश की जो है भैया वो सैर किया करते थे, भ्रमण किया करते थे। तो विदर्भ देश का राजा जो चंद्रकेतु है, उसने अपने मन में विचार किया है कि मैं पूरे भारत देश को घूम करके तब वापस आऊंगा अपने विदर्भ देश में। वो अपनी नाव पर बैठ करके पूरे भारत देश का भ्रमण करने के लिए घर से निकल पड़ा है और चलते चलते कहां आ गया, जहां पर शनि जो विचार कर रहे हैं कि मैं किस प्रकार से राम और हनुमान का युद्ध कराऊं। इधर तो राजा चंद्रकेतु की नाव चली आ रही है और उधर देखिए होनी क्या करती है कि विश्वामित्र मुनि जो हैं वो सुबह का समय है, हाथ में जल लेकर, पहले स्नान किया और हाथ में जल लेकर के सूर्य भगवान को
अंजलि भरकर जल चढ़ाने जा रहे हैं। इधर अंजलि भर करके जैसे ही खड़े हुए और सूर्य भगवान का ध्यान लगाया, शनि ने वहां पर कुछ अपनी ऐसी माया फैलाई कि राजा चंद्रकेतु भूल गए कि सामने कौन खड़ा है, नाव को सीधी चलाते हुए चले गए और नाव ऐसी चलाई, शनि ने ऐसी माया दिखाई कि राजा चंद्रकेतु की नाव विश्वामित्र मुनि से जाकर टकरा गई। जब विश्वामित्र मुनि से टकराई तो होता क्या है, जो उनकी अंजलि में जल भरा हुआ था भैया, वो सारा का सारा जमीन पर गिर पड़ा। मुनि को बड़ा क्रोध आ गया, अब काल हो गया, चले मुनि तब शीघ्र ही छाया को दया पार, रामा छाया को दया पार, देखा पहचाना उसे हुए चलन तैयार। विश्वामित्र मुनि के जब हाथ का जल गिरता है तो हमारे क्रोध में आ गए विश्वामित्र मुनि, ये नहीं समझ पाए कि सब शनि की माया है, राजा को पहचाना, अरे ये तो विदर्भ देश का राजा चंद्रकेतु है, इसने मेरा अपमान किया, मेरी अंजलि का जल गिरा दिया। सोचा कितना नीच राजा है ये, अपने मद में अंधा हो गया है, इसके नेत्र हैं आंखें हैं लेकिन आंखें होने पर भी ये दुष्ट अंधा दिखलाता है, इसलिए जा रहा हूं राम के पास में, उनको जाकर सारा हाल सुनाऊंगा और इस अंधे राजा के घमंड को दूर करवाऊंगा, इसका सर राम के हाथों कटवा डालूंगा। इसलिए चलू रघुनंदन ढींग उनको सब हाल सुनाऊंगा, इस नृप मतांध का मस्तक में उनके हाथों कटवाऊंगा। चले मुनि तब शीघ्र ही छाया क्रोध अपार, देखा पहचाना हुए हुए चलन तैयार, ये सोच करके कौशिक मुनि राम के भरे हुए दरबार की तरफ चल देते हैं। आ गए जहां पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की सुंदर सभा लगी हुई है अवध के अंदर। जैसे ही मुनि विश्वामित्र को आते हुए देखा, फौरन अपना सिंहासन छोड़ दिया, गए चरणों में सबसे पहले मस्तक झुकाया, स्वागत किया, षोड़श प्रकार से पूजन किया। उसके बाद पूछते हैं, हे मुनीश्वर सब कुशल तो है, कैसे आपका आगमन हो गया, जरा इतना तो आप बताएं। मुनिवर ने आंखें फेरते हुए कहा, हे राम तुम राजा हो गए हो मगर तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है, कि हे राम हुए हो तुम राजा पर इतना तुमको ज्ञान नहीं। हे राम हुए हो तुम राजा पर इतना तुमको ज्ञान नहीं, ऋषियों मुनियों और गुरुओं का किंचित है तुमको ध्यान नहीं, पर जोर राम तब बोल उठे है गुरु ऐसा क्या कहना है।
गुरुओं की सेवा में तत्पर रहना है। कौशिक झल्ला कर बोल उठे सा, सब यह गलत तुम्हारा है। अत्याचारी बढ़ रहे जगत, मुनियों का ध्यान बिसारा है। मुनि विश्वामित्र कहने लगे कि हे राम, आप राजा जरूर हो गए, लेकिन शायद तुमको ये ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है। राजा वही होता है जो अपनी प्रजा का ध्यान रखे। गांव का प्रधान वही होता है जो सही फैसला कर सके। और जिस राजा को अपनी प्रजा के बारे में कोई नॉलेज ना हो, उस राजा को राज्य करने का कोई अधिकार नहीं। हाथ जोड़ करके भगवान राम कहने लगे, हे गुरुवर, अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो राघवेंद्र का जीवन ही गुरुओं की सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि गुरु का दर्जा ही ऐसा है जो शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए। साथियों, गुरु गुमाने अंधकार, रूह माने प्रकाश। गुरु उसे कहते हैं जो अपने शिष्य को अंधकार से निकालकर प्रकाश की तरफ ले जाता है। गुरु का दर्जा कितना बड़ा बताया गया है कि कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी उन गुरुन की जिन गोविंद दियो बताए। गुरु का दर्जा भगवान से भी बढ़कर है। लेकिन भाई, दर्जा कब बढ़ा है? जब गुरु गुरु जैसा हो। लेकिन हमने देखा है आजकल कि ना वैसे गुरु रह गए और ना वैसे शिष्य रह गए। पहले गुरु अपने शिष्य सब नहीं बनाया करते थे, कहीं एक आध शिष्य बनाते थे जिसको अपनी पदवी देनी होती थी, वास्तव में जिसको शिक्षा देनी होती थी। लेकिन आजकल हमने सैकड़ों गुरुओं को ऐसा देखा कि जो केवल शिष्य इसीलिए बनाते हैं कि शिष्य के घर में हमारी पुश्तैनी खानदानी जिजमानी हो जाए। हजारों चेले भी हमने ऐसे देखे जो साल में कम से कम 300 गुरु बदलते हैं। आज इस गुरु का महत्व देखा तो उसकी पूजा करने लगे, कल उस गुरु का महत्व देखा तो उसकी पूजा करने लगे। पहले के गुरु ऐसे थे कि अपने शिष्यों के लिए प्राण दिया करते थे, और शिष्य भी ऐसे होते थे जो अपने गुरु के लिए प्राण दिया करते थे। और आजकल के शिष्य कैसे हैं? जिनका अगर बस चले तो अपने भैया गुरु जी के भगवान को भी बेचकर खा जाएं। एक बार गुरु महाराज जब वृंदावन जाने लगे तो उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया, बोले बेटा, कहा गुरुदेव, कहा मैं जरा थोड़े समय के लिए वृंदावन जा रहा हूं, और तुम ऐसा करना कि हमारे सालिक राम जी को स्नान करा दिया करना, इनकी पूजा वगैरह कर दिया करना, सही वक्त पर भोजन करा दिया करना, भोग लगा दिया करना। कहा ठीक है गुरु जी। गुरु जी तो वृंदावन चले गए, अपने सालिक राम अपने चेले को सौंप गए। चेला दो चार दस दिन तक तो सालिक राम की पूजा करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पास पैसे की कमी पड़ गई, तो उसने सोचा क्या किया जाए। एक पड़ोसी भाई आए, कहने लगे, भाई रुपए तो तुमको हम कुछ दे सकते हैं, मगर एक हमारी शर्त है। कहा वो क्या? कहा अपने गुरु जी के सालिक राम हमको दे दो। चेले ने कहा भैया ले लो। अरे ऐसी वैसे में गए सालिक राम, जब भूख के मारे प्राणे निकल जाएंगे तो सालिक राम क्या काचार डालेंगे, ले जाओ। 5 रुपए में सालिक राम बेच डाले, उससे भैया भोजन की व्यवस्था की, खाया पिया, किनारे हो गए। धीरे धीरे जब गुरु महाराज आ गए वृंदावन से, अब तो चेले की जान सूखने लगी, गुरु जी आए हैं तो पूछेंगे सालिक राम कहां है, तो क्या जवाब दूंगा। जैसे ही गुरु जी आए तो उन्होंने आते आते पहला सवाल किया,
कि बेटा हमारे सालिक राम कहाँ हैं, जल्दी ले आओ। अब तो चेला डर गया, क्या करूं, कहां से लाऊं सालिक राम। लेकिन बड़ा चालाक था सालिक राम, काले काले गोल गोल होते हैं और जामुन की फसल चल रही थी। तो उसने क्या किया, एक जामुन बड़ा सा तोड़ लाया। जामुन तोड़कर लाया और गुरु जी के पास में रख दिए, कहा लीजिए गुरु जी आपके सालिक राम। गुरु जी ने देखा, कहा बेटा कुछ सालिक राम बदले बदले से नजर आते हैं। कहा गुरु जी बदले से एक नजर क्यों नहीं आएंगे, हमने आपके तरीके से सालिक राम जी को भूखा थोड़ी रखा है, पेवर देसी घी खिलाया है, मोटे हो गए थोड़ा, पेवर देसी घी खिलाया है इसलिए आपके सालिक राम मोटे हो गए हैं। गुरु जी ने कहा बेटा लाओ स्नान करा दें। जल लेकर आया, जैसे भैया स्नान कराने लगे, गुरु जी ने सोचा लाओ जरा रगड़ रगड़ कर स्नान करा दें, पता नहीं कब से जो है नहीं नहलाया है, कितना मैल लगा हुआ है। तो भगवान करते क्या है, उनको लेकर गुरु महाराज सालिक राम जी को एक हाथ में लेकर, और जैसे ही नकली सालिक राम को लेते हैं एक हाथ में जल लेते हैं, और जैसे ही रगड़ा और जल चढ़ाया तो होता क्या है, गुठली तो चली गई ऊपर, हो या गुदा रह गया, तरे गुदा रह गया नीचे, गुठली चली गई ऊपर। अब तो गुरु महाराज बड़ा परेशान बेचारे, अरे कहा शिष्य ये क्या हो गया, सालिक राम की क्या दशा हो गई। तो शिष्य कहता क्या है, गुरु जी इसमें हमारी गलती नहीं, काफी का गलती है सब तुम्हारे भगवान की। अरे ठंडक हो, गर्मी हो, बरसात हो, आप तो नहाते नहीं हो सालिक राम जी को, हर हर गंगे, क्या इनको ठंडक नहीं लगती है। नित नित चंदन और नित नित पानी की, पुनि पुनि चंदन और पुनि पुनि पानी, तुम्हारे सालिक राम गल गए तो हम पा जाने। अरे कहा राघवेंद्र सरकार ने, भगवान राम कहने लगे मुनिवर हमारा तो जीवन ही गुरुओं की सेवा करने के लिए हुआ है, ब्राह्मणों की महात्माओं की सेवा करने के लिए हुआ है। झल्ला गए विश्वामित्र, क्या बोल रहे हो राम, कहते हो कि गुरुओं की सेवा के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, अत्याचारी बढ़ रहे हैं, मुनियों का ध्यान कोई दे नहीं रहा है, और तुम कहते हो कि मुनियों के लिए मैंने जीवन बनाया है। शायद तुमको ये नहीं मालूम, आज मैं गंगा के अंदर खड़ा खड़ा अपनी अंजलि में भर करके श्री भगवान को जलदान दे रहा था, इतने में राजा चंद्रकेतु आकर मुझे धक्का देता है, जिससे कि मेरा अंजलि का सारा जल गिर जाता है। ज्यों ही ये वाक्य सुना प्रभु ने, क्रोधित हो नैना लाल हुए, कप कपा उठे रंग कुलभूषण, उठ खड़े हुए विकराल हुए। बोले आज्ञा तो वही करूं, मुनि बोले यह बतलाना है, मुनि बोले यह बतलाना है, कल तक संध्या में निज नृप का सुपात हमें दिखलाना है। उसका कट कर आएगा, तब तक आए देवासी वहां, पूछा प्रभु से तब हर्षा कर, पूछा प्रभु से तब हर्षा कर,
पर प्रण कर तेरा गोविंद बतलाओ मुझको समझा कर। भगवान भास्कर देने ही तो अंजलि से नीर गिराया है। आज गुरु से कहने लगे, बोलिए गुरुदेव क्या आज्ञा है, बोलो आप जो भी कहें हम वो करने के लिए तैयार हैं। गुरु ने कहा अगर यही बात है तो सुनो, कल शाम तक उस राजा चंद्रकेतु का सर कट करके मेरे सामने आना चाहिए। राम ने कहा ठीक है प्रभु, ठीक है गुरुजी, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कल शाम तक राजा चंद्रकेतु का सर कट करके आपके सामने आ जाएगा, वो मार दिया जाएगा। इतने में नारद जी आ गए, बोले हे राम, अरे किसको मारने की प्रतिज्ञा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कहा आपको नहीं मालूम देवर्षि, राजा चंद्रकेतु ने हमारे गुरु विश्वामित्र जी की अंजलि का जल गिराकर उनका अपमान किया है, गुरु का अपमान हुआ, ये रघुनंदन कभी सहन नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने प्रण किया है कि कल शाम तक मैं राजा चंद्रकेतु को समाप्त कर दूंगा, मार डालूंगा। ये बात जब नारद जी ने सुनी तो जान गए कि यह सब शनिचर की माया है। बोले हे रघुनंदन, हे रघुकुल भूषण, आपसे अनजाने में दोष हो गया है, अपने प्रण को आप तोड़ डालें, क्योंकि राजा चंद्रकेतु की कोई गलती नहीं है, यह सब शनिचर की माया की वजह से हुआ है। राम ने कहा यह कुछ भी कहना आपका बेकार है, जब तक मैं राजा चंद्रकेतु का संहार नहीं कर लूंगा, अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। नारद जी सोचने लगे कि अब राम को समझाना तो बेकार है, अब मुझको चलना चाहिए, सबसे पहले राजा चंद्रकेतु को खबर देनी चाहिए कि अब कल शाम तक तू मरने वाला है, तेरे प्राण जाने वाले हैं। ये सोच करके नारद जी राजा चंद्रकेतु के पास चल दिए। और उधर भैया हनुमान जी और लक्ष्मण, उनसे भगवान राम क्या बोलते हैं, बड़ा सुंदर दृश्य है। समय रघुवर यानी भगवान राम के चरणों में हनुमान जी बैठे हुए हैं और धीरे धीरे हनुमान जी भगवान राम के चरणों को सहला रहे हैं। बड़े प्यारे भक्त हैं, अंजनी सुत है ना, इसीलिए। और भगवान राम को तो बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, उनका कहने क्या, कितने प्यारे हैं। और प्यारे क्यों ना हो, उनमें अगाध भक्ति है भैया, इनकी भक्ति का एक भाव आप देखें हनुमान जी और राम की। एक दिन की बात है कि जब सीता जी अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी तो हनुमान जी ने पूछा माता सीता से, हे मैया एक बात तो बताओ, आप ये रोज रोज अपनी मांग में ये लाल लाल क्या भर लेती हो, इसके भरने से क्या होता है? सवाल करते हैं सीता जी से, कैसे सवाल किया, सीता मैया से बोले अंजनी के लाला, मैयारी मांग में क्या भर डाला। सीता मैया से बोले अंजनी के लाला, मैयारी मांग में क्या भर डाला, मैयारी मांग में क्या भर
वाला सीता मैया के भोले अंजनी के हाला मैया राम के क्या बरदाला मैया राम के क्या बरदाला सीता मैया यार को बताया मुस्कुराई सीता मैया यार को बताया सिंदूर सिंदूर करके उनको समझाया इसको लगाने पे हो इसको लगाने पे पाला इसीलिए डाला सीता मैया से बोले अंजनी के लाला मैया राम के क्या बरदाला मैया राम के क्या बरदाला। तो देखिए सीता जी क्या बताती हैं, बड़े प्रेम से समझाया कि मालूम है हनुमान जी हम ये अपनी मांग में लाल लाल क्यों लगाती हैं। यह सुन के अंजनी लाला मन में मुस्काए सिंदूर अपने सारे बदन में लगाए सिंदूर अपने सारे बदन में लगाए देख करके मुझे को रीझेंगे कृपाला इसीलिए साला सीता मैया से बोले अंजनी के लाला मैया राम के क्या बरदाला मैया राम के क्या बरदाला। तो देखिए भैया सीता जी ने कहा हनुमान जी शायद आपको नहीं मालूम कि हमने अपनी मांग में लाला लकीर भरा है, जब इस लकीर को हम मांग में भर लेती हैं तो इसको देखकर तुम्हारे जो स्वामी राम हैं वो हम पर बड़ा खुश हो जाते हैं। हनुमान जी ने मन में सोचा अच्छा अब हम जान पाए कि भगवान राम जी मैया सीता पर ज्यादा खुश क्यों रहते हैं क्योंकि लाल लाल लकीर लगा लेती है। मन में सोचा कि जब मैया जरा सी लकीर लगाती है हम इकट्ठे दो चार किलो लगा लें तो राम ज्यादा खुश हो जाएंगे, पूरा का पूरा बदन जो है सिंदूर से भैया पोत करके ऊपर से घी डाल करके खूब सान करके सारा बदन लाल लाल करके भगवान राम के सामने पहुंचे और गए कहते हैं कि भगवान हमको देखो और खुश हो जाओ। प्रभु जी मुस्कुराने लगे यहां देख रही है मन में मुस्काए यहां देख मन में मुस्काए मन सुंदर से कलयुग में पूजा जाए दिया वरदान तब हो दिया वरदान तब दीने
श्री पवन पुत्र हनुमंत लाल की। तो राम का ऐसा दरबार लगा हुआ है, परम भक्त हनुमंत लाल जी भगवान राम के चरणों में धीरे धीरे उनके हाथों पैरों को सहला रहे हैं, चमन ढुला रहे हैं लक्ष्मण लाल भगवान राम को। रघुवर यानी भगवान राम ने कहा, हे लक्ष्मण भैया, हे हनुमान, आप दोनों लोग साथ में जाएं और जा, और कल शाम तक राजा चंद्र केतु का सर आप लोग काट करके लाएंगे। जानते हो क्यों? कि कारण ये मांग गुरु की है, उसको यूं पूर्ण बनाना है। यदि सच्ची भक्ति हमारी है तो ये कारज कर कर लाना है। ऐसा ही होगा प्रभो, या बोले हनुमान, इस हनुमत की लाज के रक्षक हो भगवान। आकाश में हो पाताल में हो, क्या सेवक उसको ले आवेगा। अपने रघुबर की आज्ञा को पूर्ण करके दिखलावेगा। बोले ये वरदान मेरा तू जय सदा कहलाएगा, तू जय सदा कहलाएगा। रघुबर का प्यारा रह कर तू ऊंचा मुझसे दिखलाएगा। हनुमान जी कहने लगे, ठीक है प्रभु, अगर आपकी आज्ञा है तो चाहे आकाश में हो चाहे पाताल में हो, जहां भी होगा हम लेकर के आएंगे। संसार में किसी जगह भी राजा चंद्र केतु होगा, कल शाम तक आपके चरणों में पड़ा होगा। इस प्रकार भगवान को वंदना करके लक्ष्मण जी और हनुमान जी तो वहां से चल देते हैं भैया राजा चंद्र केतु को तलाश करने के लिए। और उधर देखिए महाराज चंद्र केतु के दरबार में नारद जी पहुंचे, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाता है चंद्र केतु राजा। नारद ने कहा, चिरंजीवी रहो, आगे हम जो तुमसे बतला रहे हैं उस चीज को ध्यान दो। मैं सबसे पहले तुमसे ये पूछता हूं कि तुम ये जानने की कोशिश करो कि हम यहां पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। राजा चंद्र केतु ने कहा, देवर्षि, मैं भारत भ्रमण करने के लिए घूमता हुआ यहां पर आ गया हूं। अरे कहा, मूर्ख साहब, तुझको नहीं मालूम कि तूने मुनिवर विश्वामित्र की अंजलि का जल गिरा करके और उनका अपमान करके अपनी मृत्यु को बुलावा दिया है। भगवान राम ने विश्वामित्र मुनि की सेवा के लिए यह प्रतिज्ञा की है कि कल शाम तलक तेरा मस्तक इस घर से ही कट जाएगा। यदि पास राम के जाएगा तो प्राण नहीं बच पाएगा। संकल्प किया है कि कल शाम तक तेरा सर कट करके गुरु के चरणों में पड़ा होगा, इसलिए अब तेरी मृत्यु नजदीक आ गई। इस वक्त राजा चंद्र केतु ने आज उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। कुछ शेष है घड़ियां जीवन की, कल जीव दीप बुझ जाएगा। जो संज्ञा मैं इस समय यहां
कर संज्ञाहीन कहावेगा। तकदीर में लिखा है तो तदबीर क्या करे। तकदीर में लिखा है तो तदबीर क्या करे। तदबीर बदनसीबी, तदबीर बदनसीबी, दर दर फिरा करे। बैठाया अकेला तन्हा किस्मत को रो रहा है, किस्मत को रो रहा है। राजा ने हुक्म दे दिया, राजा ने हुक्म दे दिया, तू वजीर क्या करे। कहते कर भैया रोने लगा, गिर गिराने लगा। नारद ने कहा, अरे कायर घबराता क्यों है? संसार में जो धैर्यवान पुरुष होते हैं वो मुसीबत के समय कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ते। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, चार वस्तुओं को आजमाना है तो आप दुख के समय पर आजमाएं। धीरज धर्म नेत्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपदि काल पर खिए चारी। अरे अपने धर्म को तू खो रहा है राजन, मैं तुझको उपाय बताता हूँ, चल मेरे साथ इसी वक्त। मैं तुझको तरकीब बताता हूं कि किस प्रकार से तेरे प्राण बचेंगे। कहा, मुनिवर ठीक है, जो आप आज्ञा देंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर भैया नारद जी राजा चंद्रकेतु को लेकर कहां पहुंचते हैं, जहां पर आश्रम बना हुआ है माता अंजनि का, यानी हनुमान जी की जो मां अंजनि है उनका जहां पर आश्रम बना हुआ है वहीं पर पहुंच गया। कौन भैया? राजा चंद्रकेतु। नारद जी ने कहा, देख वो जो सती बैठी हुई है ना तपस्विनी, उसके चरणों में जाकर गिर जा, और जब तक वो सौगंध न खा जाए, त्रिवाचा न भर ले कि मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगी, तब तक तू वहां से हटना नहीं। भगवान श्री राम यदि तेरी विनती सुनेंगे तो तेरा कार्य संपन्न होगा, तेरे प्राणों की रक्षा होगी, जा, मेरा आशीर्वाद है। चित्रकेतु सुनकर वचन चल दीना सिरना है, देवी अंजनि के निकट रोता पहुंचा है। देखा, बड़ी सुंदर एक कुटिया बनी हुई है कि पावन एक कुसा चटाई पर देवी आसीन दिखाती थी। ध्यान मगन निज पति में वहाँ थी, ध्यान मगन निज पति में वहाँ, सुबह योग में सीधर साथी थी। पग चालन का जब शब्द हुआ, खुल गए नेत्र और ध्यान छुटा, कानों में करुणा गूंज उठी। कानों में करुणा गूंज उठी, कानों में करुणा गूंज उठी,
वो पति चिंता का ध्यान घटा। तब तलक नृपति आगे बढ़कर अंजन के पैरों लिपट गया और करुणा लखी करुणा में डूबी करुणा लख करुणा में डूबी अंजनी का धूपक पिघल गया। जिस भांति पुत्र को मां बढ़कर रोने पर अंक लगाती है वैसे ही चीख के तुको भी वैसे ही चीख के तुको भी अंजनी सीख उठाती है। जैसे ही राजा चंद्रकेतु पहुंचता है माता अंजनी के पावन आश्रम में, जब चरणों की आवाज आई माँ का ध्यान उठा, जैसे ध्यान टूटा आंखें खोली धाम से चरणों में जा गिरा, लिपट लिपट कर रोने लगा। आज उस मंजरी माँ ने चित्रकेतु को ऐसे लिपटा लिया जैसे एक माँ अपने बच्चे को लिपटा लेती है। कहने लगी, बेटा बोलो तुम्हें कौन सा दुख है, मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर करने का संकल्प करके पूछ रही हूँ, क्या बात है, कौन हो, अपनी कहानी बताओ। वाह बोला, होता नहीं माउर में विश्वास, प्रण रक्षा का यदि करो तो मैं करूं प्रकाश। माता, ऐसे विश्वास नहीं हो रहा है, पहले आप प्रतिज्ञा करो, त्रिवाचा भरो कि आप मेरी रक्षा करेंगे। अंजनी ने कहा, सत्य कहती मैं वीर पुत्र की माता हूं, वीरों में महावीर सुत की मैं अंजनी माँ भी ख्याता हूं। करती हूँ कहती हूँ हो तो मैं उससे भी जाऊंगी। एक बार का नहीं बचन है, बार बचन में देती हूँ, कह दे अपना दुख टालूंगी मैं तुझे बचन याद देती हूँ। जाओ बेटा, मैं वीर हनुमंत की माता हूँ, वचन देती हूँ कि जो भी कह रही हूँ उसको निभाऊंगी, एक बार नहीं तीन बार वचन देती हूँ। साक्षात जमराज भी अगर तेरी मौत बनकर आए तो मैं तेरी रक्षा करूंगी। बोल बेटा क्या बात है। तब रो रो कह उठा वो दुख में वृत्तांत, सुनकर माँ के अंजनी हुई एकदम शांत। पूरा किस्सा बता दिया, भगवान राम ने मुझे जो है सर काटने का फैसला कर लिया है, मुझे मारने का फैसला कर लिया है। सुनकर एकदम अवाक रह गई माँ अंजनी, हे ईश्वर ये क्या हो गया, मेरा बेटा जिसका परम भक्त है और उसी के लिए मैंने आज ये संकल्प कर लिया कि इसका संकल्प तोड़ा डालूंगी। इतना मुझको हो गया ज्ञान। आज जब मन में सोचने लगी तो राजा चंद्रकेतु कहता है, हे माता बस बस रहने दो, मालूम पड़ता है कि आपने मेरी बात सुन करके मेरी रक्षा करने का फैसला छोड़ दिया है। अब मुझे मालूम पड़ गया कि दुनिया में सब मुंह देखा प्रेम करने वाले हैं, सब थोटी बातें करने वाले हैं, निर्बल का कोई सहाय नहीं है। संसार में जब आपत्ति आ जाती है तो कोई सहायता करने वाला नजर नहीं आता, आराम के साथी दुनिया वाले हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो
को साथ देने वाला कोई नहीं होता। किसी ने कहा है कि आराम के साथी क्या क्या थे, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं। सूख जो थे हैं सुन पड़े मरघटी उनके, सुल्तान जहां मासूक जो थे हैं सुन पड़े मरघटी उनके, जहां चाहने वाले लाखों थे, जहां चाहने वाले लाखों थे, वहां रोने वाला कोई नहीं, वहां रोने वाला कोई नहीं। जो खूब कल कल चलते थे वे आज फिरत मारे मारे, फुर्सत बात ना करने की, फुर्सत बात ना करने की, बतलाने वाला कोई नहीं, बतलाने वाला कोई नहीं। आज अब ऐसे कह करके चल दिया चित्रकेतु की बात को सुन करके माता अंजनी की आंखें लाल हो गईं, गुस्से में भरकर बोली, क्या कहता है मूर्ख, शायद तुझको नहीं मालूम कि मैंने जो संसार में वचन कर दिया उसको कर दिया, भगवान राम भी अगर तुझको मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं तो मुझे कोई परवाह नहीं। जिस हनुमत ने अर्पण किया आज तेरा सिर काट के लाने का, वह मां सुत की आज्ञा देगी तेरा प्रिय प्राण बचाने का, इस शरणागत पालन का भार उसी पर सारा है। क्या निर्भय रह विश्राम तू कर, निर्भय रह विश्राम तू कर, अब तेरा जीवन अच्छा है, रामचंद्र के बाणों से तू गुण भांति से निर्भय है, हनुमान ने अपने स्वामी के कहने से तेरा सर काटने की प्रतिज्ञा की है तो वही बेटा अपनी मां की आज्ञा का पालन करने के लिए तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। जा चंद्र के तू आराम से निर्भय होकर घर में ठहर, तेरा बाल मां का भी नहीं होगा। इधर तो मां ने वचन दे दिया है और उधर देखिए पुत्र हनुमान लक्ष्मण जी के साथ में भैया घूमते घूमते आ गए उसी जंगल में जहां पर उनकी मां रहती है। जब पहुंचे अपनी मां की कुटिया के समीप राजा चंद्रकेतु को ढूंढते ढूंढते उस स्थान को देखकर उनको बचपन की याद आ गई अपनी मां की।
क्योंकि बचपन में माँ से हनुमान जी जुदा हो गए थे, अलग हो गए थे। कैसे हुए थे? हनुमान जी का बचपन का वृतांत है। झिरझिर बहाए नदी गंगा, जंगल मोर बोले, जंगल मोर बोले हो। अंजनी महल बनवावे, महल बनवावे हो। ऐसा महल बनवावे खिड़किया नाही राखे, खिड़किया लगवावे पियाए नित पनिया, पियाए नित पनिया हो। देवा जोग तेरी बात बोले का काम छूटे हो, ये का काम छूटे हो। ए होता हूँ दाहवे, ए होता हूँ दाहवे, गंगा धारा उकल मसलावे, उकल मसलावे हो। आठ मास नवाबीत तो हनुमत प्रकट भए, हनुमत प्रकट भए हो। एहो बाजे लगी, एहो बाजे लगी जग नगा भैया, और बरसे लागे फूल हो, बरसे लागे फूल हो। जब बच्चे का रूप देखती है माता अंजनी तो क्या हाल होता है उनका? रूप देख बेटी अंजनी बहुत तगे रानी, हा बहुत तगे रानी हो। एहो लोक लाज, एहो लोक लाज तेरे कारण जंगल फेकवावे, जंगल फेकवावे हो। हनुमान जी अपनी माता अंजनी से एक सवाल करते हैं। माता से बोले हनुमान सुनो मोरी माता, सुनो मोरी माता हो। माता भूख लागी, माता भूख लागी, अति भोजन कराओ मैया भोजन
कराओ मैया करे बाबो हो। अंजन का सुना लाला नयाना जला छाए नयाना जला छाए हो लाला लाल पियर लाला लाल पियर फल फूल जंगल बीते खाओ जंगल बीते खाओ सवेरे सवेरे लाल और पीले फल खा लेना। सवेरा जब हुआ तो सिर भगवान निकलते हैं लाल लाल। हनुमान जी समझे कि सारे लाल फल ही है तुम खा जाए माने कहा था। भोर होता पवा काही सूरज पीला फोड़े सूरज पीला फोड़े हो एहो फूल जानी एहो फूल जानी हनुमान सूरज कहानी ले सूरज कहानी ले हो अंधियारी माटी है हाहाकार माटी है हाहाकार एहो देवता न पीना एहो देवता न पी न मानवती उगला जी में सूरज उगला जी में सूरज लागे बाजन बाजन लागे बाजन हो एहो इंद्रपुरी एहो इंद्रपुरी मिली नाचे और भोन लागे मंगल भोन लागे मंगल। काफी दिन माँ से छुटे हुए हो गए हैं। जब राजा चंद्रकेतु को ढूंढते हुए हनुमान जी पहुंचे तो माँ की याद आ गई। लक्ष्मण से कहा भैया लक्ष्मण आप कुटिया के बाहर थोड़ा देर मेरा इंतजार करें मैं अभी जो हूँ अपनी माँ के चरणों का स्पर्श करके आ रहा हूँ। आज्ञा लेकर लखन से चले पवन सुत वीर बंदन कर कुटिया प्रथम फिर आए माँ के तीर। आगे बढ़ करके बजरंगी आते हैं माँ को प्रणाम करते हैं। आगे बढ़ बजरंगी ने माँ माँ के चरणों में सिर नहाया। माता ने देखा माता ने देखा लाल गभीर छाती से अपनी लपोटाया। बरसों व्यतीत हो गए तुझे सुध कैसे आई माता की। हो कीर्तिवान और पूजनीय ऐसा वरदान हमारा है तू रहे परम प्रिय रघुबर का जिनका तू पालक प्यारा है।
गए, माँ के चरणों में अपना मस्तक झुकाया। माँ ने हृदय से लगा लिया अपने बेटे को, कहा बेटा तुम कीर्तिवान रहो, हमेशा पूजनीय रहो, ये हमारा वरदान है, हमेशा रघुवर के प्यारे बने रहो। बेटा मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पुत्र आज इतने दिन के बाद में आए हो, माँ के लिए कुछ नहीं लाए, माँ को कुछ दोगे नहीं? हनुमंत जी कहने लगे, माँ मेरा ये तो रूप जरूर गलत रहा कि मैं आपके लिए कुछ नहीं लाया, लेकिन शायद मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल भी नहीं था कि मैं आपके चरणों का स्पर्श कर पाऊंगा। वैसे कोई बात नहीं माँ, अगर मैं नहीं लाया लेकिन आप जो भी आज्ञा दें मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो वस्तु कहीं भी हो, आकाश में हो, पाताल में हो, माता मैं इस वक्त जो भी मांगोगी मैं आपको दूंगा। माँ ने कहा, रे बेटा कहना तो आसान है लेकिन देना बड़ा कठिन होता है। हनुमान ने कहा, नहीं माँ तू ऐसा क्यों सोचती है, मैं वचन दे रहा हूँ आपको, दे रहा वचन मैं 3 बार, मांगो मैं देकर जाऊंगा, रघुनंदन की खा सफत कहूं नहीं पीछे पैर हटाऊंगा। कहा माता मैं अपने स्वामी राग की सौगंध खाकर 3 बार ये शपथ लेता हूं कि तू जो कुछ भी मांगेगी मैं तुझको दूंगा, बोल तुझे क्या चाहिए। इतना कहकर जब कहा तो माँ ने पूरी कहानी बता दी, बेटा जिस राजा चंद्र केतु की तुम सर काटने की योजना बनाकर चले हो, प्रतिज्ञा की है मैंने, उसी की प्राणों की रक्षा करने का वादा किया है, त्रिवाचा भरा है, बेटा तुमको उसकी रक्षा करनी होगी, यही माँ तुमसे मांगती है। सुना जिस वक्त धड़ाम से हनुमंत लाल जी गिर पड़े, सारी देह कांपने लगी, गिरते गिरते मुख से हाराम हाराम निकलता है। उसके बाद कहते क्या है कि फिर बोले है, कुछ पता तुम्हें ये दोषी रघुबर के गुल का, बलवाले मिलते बलियों से धनिकों को धनी में चलना है, हरे मैया ये क्या हो गया मुझसे, शायद आपको नहीं मालूम कि जिसके प्राणों की रक्षा करने का वचन दे चुकी हैं वो प्रभु का दोषी है। मेरे सामने समस्या है कि मैं अपने प्रभु को वचन दे चुका हूं, अपने मालिक के प्रति, अपने मालिक के दुश्मन का, अपने स्वामी के दुश्मन का भार मैं अपने सिर पर कैसे ले सकता हूं। मां ने कहा, ठीक है पुत्र मैं समझ गई कि तूने जो कहा वो कर नहीं सकता, लेकिन क्या तूने मुझको अनुबल समझा है, हट जा कपूत, आगे से हट जा, अंजनी शरण दे चुकी है मैं अपना धर्म निभाऊंगी, कायर कपूत हट आगे से मैं हाथों में शस्त्र उठाऊंगी, रण होगा तुझसे प्रथम मेरा, फिर होगा मेरा रघुवर से, असहाय की रक्षा करने में मैं युद्ध करूंगी धनुधर से, कायर कपूत हट जा मेरे आगे से, अगर तू रक्षा नहीं कर सकता है शरण में आए हुए की तो मैं अपने हाथों में खुद तलवार उठाकर सबसे पहले तुझसे युद्ध करूंगी और बाद में उस रघुवर से युद्ध करूंगी। सुनकर मां के वचनों को सारे अंग फड़कने लगे हनुमान जी के, चमक करके रोष में भर करके यूं कहते हैं, हे माता बेटे के होते हुए मां सत्य कहे, ऐसी बेटे को लानत है, बार बार धिक्कार है, मां अगर तुमने वचन दे दिया है रक्षा करने का तो तुम्हारे वचन पर आंच नहीं आएगी, जब तक आपका बेटा वर्तमान है जिंदा है तब तक मां की प्रण की रक्षा होगी, रघुनंदन से रण करेगा ये जो रघुनंदन का पायक है, रघुनंदन रहे हृदय मेरे तो सब जगती के नायक है। हनुमान ने प्रण किया रक्षा का विकराल,
चित्रकेतु को अंजनी तब लाई तत्काल। रक्षा का भार ले लिया, ठीक है माँ मैं रक्षा करूंगा। माँ अंदर से राजा चंद्रकेतु को ले आई, शरण में पकड़ा दिया कि लो बेटा अब इसके जीवन के मालिक तुम हो, इसकी रक्षा तुमको करनी है। हनुमान ने कहा ठीक है माता। अपने लंबी सी पूंछ बढ़ाई और उसके गोल दायरे में राजा चंद्रकेतु को बैठा लिया और आराम से हनुमान जी बैठ गए कि अब आने दो, कौन तुम्हारे प्राणों को लेने के लिए आता है। इधर तो हनुमान जी रक्षा करने के लिए पूंछ में लपेट करके राजा चंद्रकेतु को बैठ जाते हैं। और उधर क्या हुआ, जब लक्ष्मण जी को खड़े खड़े काफी समय हो गया दरवाजे पर, देखा हनुमान जी अभी नहीं आए हैं, गए अंदर को देखा सामने कुटिया के हनुमान जी बैठे हुए हैं, लांगुल के घेरे में, पूंछ के घेरे में एक राजा बैठा हुआ है। लक्ष्मण ने कहा हनुमान अरे काफी समय हो गया है भैया, शाम होने का समय आ गया है, थोड़ा सा दिन बचा है, हमने और तुमने मिलकर प्रतिज्ञा की है कि शाम तक राजा चंद्रकेतु के सिर को काट कर प्रभु भैया के चरणों में जाकर के रखना है, अगर समय बीत जाएगा तो प्रण हट जाएगा, चलो चलते हैं जल्दी से उस राजा को ढूंढते हैं। हनुमत ने कहा भैया लक्ष्मण अब तो वक्त बदल गया है, ढूंढने कहां जाना है, कहां जाओगे ढूंढने। हनुमत ने कहा क्या कह रहे हो, ढूंढने उसे कब जाना है, लांगुल में वही है नेपाल, क्या नहीं इसे पहचाना है। कौशल ले चलो इसे, रघुनाथ ने जो लाया है दंड पे चल कर आप इसे। हनुमान ने कहा भैया लक्ष्मण ढूंढने कहां जाओगे राजा चंद्रकेतु को, क्या पहचान नहीं पाए, अरे जो हमारी पूंछ में लिपटा हुआ है यही राजा चंद्रकेतु है। लक्ष्मण ने कहा भैया फिर देर क्या है, जब यही राजा चंद्रकेतु है तो चलो इसको लेकर के चले अब भैया राम को सौंप दें। हनुमान ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरी मां अंजनी ने इसके प्राणों की रक्षा करने का वचन इसको दे दिया और मैंने भी वचन दे दिया है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, इसलिए लक्ष्मण जाओ जब तक संसार में चित्रकेतु नृप हमारे सामने है तब तक उसका बाल बांका नहीं हो सकता, चाहे मेरे सामने मौत भी क्यों ना आ जाए लेकिन महाराज चंद्रकेतु को कोई कष्ट नहीं हो सकता, इसके प्राणों की हानि नहीं हो सकती। हनुमत बोले सुनो तो छोटे से रघुवीर, माँ आज्ञा कितनी बड़ी मत ये तजो लकीर। लक्ष्मण ने कहा बजरंगी आज कैसी बजरंगी बातें करते हो। हनुमान ने कहा चुप रहो भैया, शायद आपको नहीं मालूम कि माँ की आज्ञा कितनी बड़ी है, माँ की आज्ञा क्या होती है ये कोई स्वामी राम से पूछे, कि जिस माँ आज्ञा के कारण ही रघुबर ने राज्य बिसारा था। पिता मरना भी सहन किया, पिता मरना भी सहन किया, वर्मा आज्ञा व्रत धारा था। है आज वही माँ की आज्ञा, हनुमत कैसे उसको त्यागे, स्वामी जिस व्रत का पूजक हो, स्वामी जिस व्रत का
जब हो सेवक उसको तजू कर भागे। शायद लक्ष्मण आपको नहीं मालूम कि हमारे स्वामी राम ने माँ की आज्ञा की वजह से ही अपना घर त्यागा, पिता का मरना पसंद किया, लेकिन माँ की आज्ञा को टालना उचित ना समझा। इसलिए जाओ, मैंने प्रतिज्ञा की है कि माँ के वचन का पालन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लक्ष्मण ने कहा, हनुमान अगर ऐसे नहीं दोगे, जिस समय भैया राम को मालूम पड़ेगा वो फौरन ही इस राजा चंद्रकेतु को तुमसे मंगवा लेंगे, क्योंकि छत्री जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। प्रभु कुल रीत सदा चलिया, हमारे क्षत्रियों की यह परंपरा है कि हम जो कह देते हैं उसको करना जानते हैं। इसलिए फायदे क्या है, उस अवधेश्वर जगदीश्वर से भिड़ना है कोई खेल नहीं। तुम कहां भूलते बजरंगी, बालू से निकलता तेल नहीं। लक्ष्मण की बातों को सुनकर के कपिनाथ कहने लगे, मेरी भी तो बात कुछ सुनो उर्मिला नाथ। भैया लक्ष्मण, मैं मानता हूं कि प्रभु अवधेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, नारायण हैं, हनुमत के हृदय बिहारी हैं, हनुमत के रोम रोम में रमे हुए, लेकिन एक बात बताओ कि जिस हनुमान ने प्रभु का नाम लिख करके पत्थर पर और पत्थरों को जल में तैरा दिया था, उन नाम का जब विश्वास मुझे तो कैसे मैं दुख पाऊंगा। विश्वास मुझे उस नाम के बल में इसको प्राण बचाऊंगा। जिस नाम के सहारे मैंने जल में पत्थर तैराए थे, मुझको ये विश्वास है लक्ष्मण, मैं उसी नाम के सहारे इसकी रक्षा कर लूंगा। जिस मां आज्ञा पालन में नहीं पितु का है जरा विचार किया, उस सुत का ही वह करेगा जब माता ने पिता व्यवहार किया। उठने दो उस धनुष को या बोले हनुमान, माता आज्ञा सामने मुझे न इसका ध्यान। अगर स्वामी मुझ पर प्रहार भी करेंगे, भगवान राम मेरे प्राण भी लेंगे, तो मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं अपनी मां की आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। लक्ष्मण सुनकर के मारे क्रोध में भर आए, कहा क्या बताऊं, भाई की आज्ञा नहीं है इसलिए मैं मजबूर हूं, वरना मैं अभी तुमसे संग्राम करता और दिखाता हनुमान कि तुम कितने बलशाली हो और मैं कितना बलशाली हूं। हनुमान ने कहा, हरज ही क्या है भैया, थोड़ा धीरज रखो, जाओ कौशलपुर को और प्रभु से आज्ञा ले आओ, फिर आकर लड़ लो, देख लो तुम्हें कितनी ताकत है। अभिमान आपको निज बल का उसका निर्णय आकर कर लो, मत दमन करो मन की इच्छा। मत दमन करो मन की इच्छा, यदि लड़ना है आकर लड़ लो। चल दिए लखन क्रोधित होकर चल कर कौशलपुर आते हैं, राघवेंद्र के सम्मुख हुआ तभी कथा बतलाते हैं। लक्ष्मण जी क्रोध में भर करके अयोध्या में आ गए और आदि से लेकर अंत तक सारी कहानी बताई। कहा, भैया हनुमान के मन में बड़ा घमंड आ गया है, जिस राजा चंद्रकेतु को हम पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, आपने मारने की आज्ञा दी है, उसी को अपनी पूछ में लपेटकर मां की आज्ञा से बैठा हुआ है और कहता है मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसको देने के लिए तैयार नहीं। सुन लक्ष्मण की लाल की बातें, श्री राघवेंद्र मन मुस्काए,
तब तलक सभा से उठ करके रिपुदमन सामने को आए। शत्रुघ्न भैया आ गए सामने। शत्रुघ्न आए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे पूज्य भैया मेरी विनती स्वीकार करो, इस छोटे भाई की नीति पर विचार करो। हे बंधु आप सब लोग घर बैठे यहां पर आराम करें, मैं देखता हूं कि उस बजरंगी के अंदर कितनी ताकत है। शत्रुघ्न शत्रुघ्न विषधर है, आज्ञा की केवल देरी है, मैं उसे बांध ले आऊंगा। बजरंगी को नृपते समेत मैं आज सभा में लाऊंगा। प्रभु तो घट घट की जानने वाले हैं ना, जान गए। शत्रुघ्न के मन में घमंड का अंकुर पैदा हो गया है। और भगवान का नाम भैया है गरवा आहारी। भगवान कभी भी किसी का अभिमान नहीं रखते, जिसके मन में अभिमान आता है उसका भोजन कर डालते। मन में सोचा, अच्छा शत्रुघ्न आओ तुम्हारा भी बल देख लें, तुम्हें अभिमान बहुत है ना। कहने लगे प्रकट रूप में, अच्छा जाने दूने हो जाएगा ज्ञान, रिपसूदन से इस तरह बोले तब भगवान। जाओ भैया शत्रुघ्न रथ को सजवाओ, थोड़ी सेना भी साथ में लेते जाओ, और हनुमान और राजा चंद्रकेतु दोनों को जिंदा यहीं पर बांध लाओ। भैया की आज्ञा पाकर शत्रुघ्न जी मन में निश्चय करके बड़े अभिमान के साथ अब चल देते हैं कहां, जहां पर हनुमान जी राजा चंद्रकेतु को अपनी पूंछ में लपेटे हुए बैठे। आ गए पवन सुत बाहर को देखा, कुछ सैनिक लिए हुए आ रहे हैं रिपसूदन लड़ने। हितिया देख ममन सुत खड़े हुए, आते ही कहा रिपसूदन ने, हे पवन पुत्र ये कहना है, बल के अभिमान में मत भूलो, तुमको सीमा में रहना है। अभिनंदन का जो दोषी है उसको ला कर दे देना है, मत मृत्यु की अग्नि में तुमसे मेरा यह कहना है। शत्रुघ्न ने कहा है हनुमान देखो हमारी बात ध्यान दे करके सुनो, जो हमारे भैया का दुश्मन है बैरी है उसके लिए बेकार में युद्ध मत करो, हमारे हवाले कर दो। हनुमान ने कहा मैं भगवान श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूं, जब तक मेरी जान में जान है तब तक मैं अपने शरण में आए हुए राजा चंद्रकेतु को तुम्हें नहीं दूंगा। जब ऐसे वाक्य सुने मारे क्रोध में भरकर शत्रुघ्न हनुमान जी पर तीर छोड़ने लगते हैं। इधर से तीर जाते हैं और उधर से हनुमान जी जय श्री राम कह करके आज सारे तीरों को तोड़ तोड़कर फेंकने लगे। गुस्से में आकर हनुमान जी ने एक बड़ा सा पहाड़ उठाया भैया कि तब तलक एक गिरी खंड उठा, तब तलक एक गिरी खंड उठा, हनुमान ने रथ पर फेंक दिया। मर गए अश्वरथ वान मरारी, सूदन का रथ टूट गया। शत्रुघ्न की छाती पर रिपसूदन विकल अत्यंत हुए, गिर गए वही रथ से पृथ्वी के होश मूर्छा बंद हुए। हनुमान जी ने बड़ा सा पत्थर उठाया और शत्रुघ्न जी के रथ पर फेंका, रथ तो चकना चूर ही हो गया, ऐसा पत्थर लगा कि शत्रुघ्न भैया मूर्छित हो गए। अब क्या किया, एक रथ पर पहुड़ा करके
घोड़ों को हांक दिया, आज कोसलपुर में घोड़े लेकर मूर्छित शत्रुघ्न लाल जी के घमंड को तोड़ते हुए आ रहे हैं। देख दशा रघुराज की, बोले लक्ष्मण वीर, व्याकुल क्यों हो रहे हो भैया हे रघुवीर। आज जब अपने भाई को मूर्छित देखा तो प्रभु राम की आंखों में आंसू छलछलाए, लेकिन जब अपने भैया की ये दशा देखी तो लक्ष्मण कहने लगे, भैया चिंता मत करो, जब तक दान में जान है कुछ भी नहीं होगा, मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैंने इंद्रजीत को मार डाला, समाप्त कर दिया है, उसके आगे जब मैंने रण किया है तो बजरंगी की ताकत ही क्या है, आप आज्ञा दीजिए, ये लक्ष्मण युद्ध में जा रहा है, उस चित्रकेतु के साथ साथ ये लक्ष्मण भी हनुमान को बांध करके लाता है। भगवान कहने लगे, सुनो भैया लक्ष्मण, ऐसा करना तुम हनुमान जी पर वार न करना, क्योंकि वो मेरा परम भक्त रह चुका है, इसलिए उस पर कोई भी शत्रुओं का प्रहार मत करना। आज्ञा पा करके लक्ष्मण जी कोसलपुर में सेना को सजवा करके रथ पर चढ़ करके उस पर्वत के ढींग आ गए, जहां पर हनुमान जी राजा चंद्रकेतु की रक्षा करने का संकल्प करके बैठे हुए। हनुमान ने जब दूर से देखा धूल को उड़ते हुए तो सोच लिया मन में कि लक्ष्मण योद्धा आ रहे हैं। आते ही लक्ष्मण ने कहा, वीरो आगे बढ़ जाओ, तुमको हनुमान के समेत इस राजा चंद्रकेतु को बंदी बनाकर और घर पर ले चलना है। हनुमान ने कहा, क्षमा करिए महाराज, कह देना आसान है लेकिन जो कह दिया है इसको करना आसान नहीं है। हनुमान जिसको शरण दे चुका है अब उसे कोई बलवान नहीं ले सकता, श्री राम नाम के बल पर ही श्री राम को आज चुनौती है। शरणागत को मैं पालूंगा, आवाज मेरी यह होती है, भूल है कि मैं राम नाम के बल पर ही आज चुनौती देता हूं कि जिसकी रक्षा करने का भार ले लिया है उसे संसार में कोई नहीं मार सकता। अब तो लक्ष्मण कुपित हो छोड़े माय कराल, हनुमत छाती खोल के खड़े हुए तत्काल। हनुमान जी ने अपना हृदय खोल दिया, लक्ष्मण पता नहीं कितने वार करते हैं लेकिन वो सारे वार लक्ष्मण के बेकार चले जाते हैं। इधर क्या हुआ, हनुमान जी ने हट्टाहास करके एक बार जब जोर से हंसना शुरू किया और न जाने कितने सैनिकों को पकड़ा और आकाश में फेंक दिया, बहुत से सूरवीर तो भैया लांगुल में लिपट करके ऐसे जकड़े कि उनके प्राण चले गए, दो चार को ऐसा फेंका जो राम के सम्मुख आकर के गिरे, फिर एक पर्वत का खंड उठाया और लक्ष्मण के ऊपर बल के साथ में फेंका, गिर गए लखन भीतर रथ के, तन पीड़ा से बेहाल हुआ। उस समय श्री बजरंगी को लंका का पिछला ख्याल हुआ, ऐसा पत्थर मारा लखनलाल मूर्छित होकर गिर पड़े। अब सुनिए, उस रघुनंदन ने जब गिरे अचेत सूर पाए, तब सोच समर की करनी को अपने मन में अति चकराए, बोले हे भरत भ्रात देखो रण बना अमंगल जाता है, लक्ष्मण इस समय दुखी रण में ये माया नेत्र बताता है। उधर श्री राम जी ने जो अपने सामने पड़े हुए कुछ योद्धाओं को देखा, कहा भैया भरत, मुझे मालूम पड़ता है कि इस समय भैया लक्ष्मण पर संकट आ गया है, इसलिए कुछ सुभट ले जाओ और मेरा रथ भी तैयार करो, मैं भी चलता हूं, देखता हूं क्या हाल है, मैंने जो गुरु के लिए प्रण किया है उसको मुझको पूर्ण भी बनाना है, इसलिए मैं भी चल रहा हूं। आज्ञा जब भगवान ने दी, एक रथ पर विश्वामित्र मुनि को बैठाला गया, एक रथ पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बैठते हैं, भरत भैया बैठते हैं और आ जाते हैं वहीं पर जहां पर हनुमान जी रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। रास्ते में जब भगवान चले तो नाना प्रकार के अपशगुन हो रहे हैं, नाना प्रकार के अपशगुन ये दिखला रहे हैं कि कोई अमंगल घटना घटी है।
जब युद्ध में पहुंचे, देखा लक्ष्मण भैया को मूर्छित। मूर्छित लक्ष्मण को देखकर प्रभु राम विलाप करने लगे कि लक्ष्मण भैया जागो जागो, प्रभु नंदन भाको जगाता है, मेघना दुती सकती नहीं, प्रभु कुल का नाम ले जाता है, तब तो लाकर के सजीवन हनुमत ने प्राण बचाया था, दिन के है मालूम था कपि ने ये प्राण बचाया था, भगवान ने कहा ठीक है, अगर प्रभु की यही इच्छा है तो जो होगा वो देखा जाएगा। टपक पड़े रघुराज के आंसू बनकर बहन, लक्ष्मण आए होश में पड़े कान में बहन, देख विकलता राम की उठे भरत कर जोर, बोले आज्ञा दो मुझे रणहित अवध किशोर। भरत ने कहा भैया मुझे आज्ञा दो, मैं युद्ध करने के लिए जाऊंगा। प्रभु बोले अच्छा, इच्छा तो मेरी यही थी कि तुम आगे बढ़ करके युद्ध करो, सेना का इसमें काम नहीं, एक ही एक पर हो लो तुम। ठीक है भरत भैया, अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो सेना को साथ लेकर क्या करोगे, एक एक करके हो जाओ, यानी भरत एक तरफ तुम हो जाओ और एक तरफ हनुमान तुम हो, हनुमान को कर लो। हनुमान जी ने जब आते हुए देखा कुटिया की तरफ कि भरत भैया आ रहे हैं, एक वार किया बाण का भरत जी ने हनुमान जी पर, छाती को खोल करके पवन सुत ने उस वार को अपने शरीर पर बर्दाश्त कर लिया। जातीर लगा कपि छाती में टकरा करके बेकार किया, रह गए खड़े श्री पवन पुत्र मन में इस भांति विचार किया। फिर पूछ घुमा कर हनुमत ने श्री भरत की छाती पर मारी, गिर गए भरत मूर्छित होकर निज तन को भूले गति सारी। हनुमान जी ने जब घूप अपनी पूछ को घुमा करके एक पूछ मारी है भरत लाल जी की छाती पर, मूर्छित हो गए। जब भैया की ये दशा देखी तो भगवान श्री राम अपने हाथों में खुद जो है धनुष बाण लेकर के भैया युद्ध करने के लिए सामने आ गए हनुमान जी के। आज भक्त और भगवान का युद्ध होना प्रारंभ हो गया। सबसे पहले तो हनुमान जी ने अपने मन के अंदर भगवान राम की सांवली सूरत बसाई, उसके बाद चरणों से लिपट गए, चरणों की धूल लगा ली अपने मस्तक से, और उसी धूल से अपने हृदय पर राम राम लिख करके डट गए भगवान राम के सामने युद्ध करने के लिए। धनुआ से बाण छूटते थे हनुमत छाती पर लेते, मानो जिनके कपड़ा करके मानो जिनके कपड़ा करके बेकार मान कर दे। तीर भी चुभा नहीं विस्मित होते थे राघवेंद्र, हनुमान का वध क्यों हुआ नहीं। भगवान राम न जाने अपने हाथों से कितने प्रहार हनुमान जी पर करते हैं, लेकिन कोई भी बाण कोई भी असर नहीं दिखलाता है हनुमान जी के ऊपर। हनुमान ने सोचा कि आज प्रभु मुझ पर बाण चला रहे हैं, और प्रभु सोचते हैं
कि मैं जितने भी तीर चलाता हूँ सब मेरे बेकार क्यों हो जाते हैं, ये हनुमान मरता क्यों नहीं। चक्कर में आ गए, तब तक ध्यान आया वो हनुमान तो रुद्रावतार बजरंगी है ना, इसलिए ऐसे नहीं मरेगा। मारण का बाण तुरंत खींचा और भगवान शंकर का ध्यान करके जैसे हनुमान जी पर उस मारण बाण का प्रहार करना चाहा, वैसे ही क्षण मात्र में भगवान शंकर प्रकट हो गए। हे राम, ये क्या कर रहे हो, आज अपनी नीति को बिसरा रहे हो, मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के मर्यादा को स्वयं मिटा रहे हो। सोचो जरा, जो सामने तुम्हारे शस्त्र खड़ा हुआ है, निहत्था खड़ा हुआ है, उस पर शब्द चला रहे हो, जो सनी की माया है उसको तो जान नहीं सके और मायाधारी कहलाते हैं। प्रभु ने जब देखा सामने भगवान शंकर को, चरणों में तुरंत प्रणाम किया। गुरु कौशिक ने भी आगे बढ़कर के भगवान शंकर जी को प्रणाम किया। आज भगवान शंकर जी सारी घटना सुनाने लगे कि सुनो प्रभु, हे राम, शायद तुम्हें नहीं मालूम, राजा चंद्रकेतु का कोई दोष नहीं है, ये सब शनिचर की माया है। उसने अपनी माया को दिखाने के लिए, आपका हनुमान का युद्ध कराने के लिए सारी घटना घटाई है, इसलिए आपने व्यर्थ में ही जो है प्रण कर लिया है इसको मारने का। प्रभु बोले, हनुमान पर हुआ न क्यों करवार, आगे बड़ी कप ने कहा, सुनिए प्रभु दाता, समझौता कराया। भगवान शंकर ने राजा चंद्रकेतु का, विश्वामित्र का, भगवान राम का, हनुमान का, सभी का समझौता कराया और चंद्रकेतु के प्राणों की रक्षा की। हनुमान जी ने दौड़ करके भगवान राम के पैर पकड़ लिए। भगवान कहने लगे, हनुमान एक बात तो बताओ कि मैंने तुम पर इतने बाण चलाए लेकिन उन बाणों का असर क्यों नहीं हुआ। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु, जिस राम नाम की शक्ति से मैंने पानी में पत्थर तैरा दिए थे, उसी नाम में क्या शक्ति है जो कोई पेशानी मेरे हृदय में प्रवेश कर जाए। आप प्रभु जानना चाहते हैं कि मेरे सीने में बाणों का असर क्यों नहीं हुआ, तो देखिए मेरे हृदय में कौन है। वो बाण मुझ पर नहीं चल रहे थे प्रभु, वो बाण तो किसी और पर चल रहे थे। या कहे कर चीर दिया सीना, झांकी प्रिय युगल दिखाती थी। श्री राम और श्री शिव जी की प्रतिमाएं सुहर सुहाती थी। प्रभु के दो लखाते थे, श्री रामचंद्र के पैरों को बैठे कपिराज दबाते थे। नारद भी देख सुअसर को, बोले श्री राम चंद्र की जय, बोले श्री राम चंद्र की जय, बोले श्री राम चंद्र की जय। तुम भी भर अब बोलो, ये संकर कपिपति राम की जय, संकर कपिपति राम की जय, शंकर कपिपति राम की जय। गोरखियापति रामचंद्र की। हनुमान जी ने इतना कहकर के अपना सीना चीर दिया, उसके अंदर सभी ने क्या देखा, भगवान राम की और भगवान शंकर की सुंदर झांकी है। गोरखिया